हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मायसेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मर्न स्टैक क्या है। तो गाइस काफी बार आपने नाम सुना होगा इस टाइप के स्टैक्स का, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, बट इन चीजों में आप कंफ्यूज थे कि मर्न स्टैक होता क्या है या मीन स्टैक होता क्या है और स्टैक एक्चुअली किसको बोलते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता था तो इस वीडियो में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैक एक्चुअली क्या होता है, या फिर मैं उसको अदर वर्ड में बोलूं तो टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो क्या होता है। तो गाइस टेक्नोलॉजी स्टैक जो है वो थ्री टायर्स टेक्नोलॉजी का एक कलेक्शन होता है, जिसमें सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी होती है वो है कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये एक स्टैक बनता जाता है। सबसे पहले फ्रंट एंड को बनाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, देन आता है हमारा बैक एंड, तो बैक एंड बनाने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और एट द एंड हमारा एक डेटाबेस होता है। तो ये एक स्टैक बनता है और ये तीन टेक्नोलॉजी मिलकर क्या करती है, एक फुल स्टैक बनाती है। तो जब भी आप ये नाम सुनते हो कि कोई बंदा एक फुल स्टैक डेवलपर है, उसका मतलब वो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों पर काम कर सकता है, इसलिए वो फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब ये नहीं होता कि उसको सारी टेक्नोलॉजीज आती है, उसको बेयर मिनिमम तीन टेक्नोलॉजीज आती है जो एक पूरे पूरे वेब एप्लीकेशन को या पूरे पूरे एप्लीकेशन को बनाने में काम आ सकती है, जो कि फ्रंट एंड की भी होगी, बैक एंड की भी होगी और डेटाबेस की भी होगी। तो इस तरीके से ये स्टैक बन जाता है और इस टेक को फॉलो करते हुए हमारा मर्न स्टैक काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं मर्न स्टैक कैसे काम करता है और मर्न स्टैक क्या होता है। सो मर्न स्टैक जो है वो इन चार टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ एक स्टैक है। तो अभी आपको लगेगा कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया अभी पिछली स्लाइड में कि तीन टेक्नोलॉजीज होती है, तो यहाँ पर तो हम चार की बात कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चार टेक्नोलॉजीज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन तीन टायर्स में। तो सबसे पहले जो हमारा मर्न स्टैक है उसमें M stands for MongoDB, यानी ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर E stands for Express JS, Express JS जो है वो Node.js का एक फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर Express JS की बात हो रही है। Then R stands for React.js, तो React.js जो है वो JavaScript का एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप कह सकते हो, जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है, तो यहाँ R stands for React.js एंड N stands for Node.js। तो मर्न स्टैक जो है वो इन चारों टेक्नोलॉजी से मिलकर बना हुआ एक स्टैक है, जो कि क्या करता है, कंप्लीट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और डीप में समझते हैं और समझते हैं कि मर्न स्टैक जो है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। तो गाइस मर्न स्टैक के काम करने का तरीका जो है, उसमें सबसे पहले आपके वेब के एंड पर, यानी जो आपका वेब है उसके एंड पर, यानी फ्रंट एंड पर आपका रिएक्ट जेएस काम करता है। जो मर्न स्टैक में आर है वो रिएक्ट जेएस को रिप्रेजेंट करता है। देन स्टैक में आता है सर्वर। ओके, तो वेब के एंड पर यानी आपके यूजर जहां पर इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट से, वेब एप्लीकेशन से, वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट एंड कहलाएगा, और जहां पर आपके लॉजिक्स चलेंगे या फिर जहां से आप रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस करेंगे वो आपका सर्वर कहलाएगा। तो सर्वर के एंड पर नोड जेएस काम करता है। एक पिछले एक वीडियो में मैंने नोड जेएस के बारे में बताया, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका एक लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। नोड जेएस क्या है, नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर एंड के एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। तो नोड जेएस जो है वो सर्वर पे रन हो रहा होता है और उसमें एक्सप्रेस जेएस नाम का एक फ्रेमवर्क जो कि नोड जेएस का है वो रन करता है, और वो क्या करता है, जो फ्रंट एंड है वहां से बैक एंड पर जितने भी रिक्वेस्ट या रिस्पांस आ रहे हैं उन सभी को हैंडल करता है। और सबसे लास्ट में स्टैक में आता है मोंगोडीबी, जो कि एम सबसे पहले लिखा हुआ है बट स्टैक में सबसे लास्ट में है मोंगोडीबी, जो कि डेटाबेस है। सो गाइस मोंगोडीबी और रिएक्ट जेएस ये क्या है, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और डेटा एक्चुअली कहाँ दिखाना है हमको, फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो रिएक्ट जेएस सीधा मोंगोडीबी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए बीच में कौन आएगा, सर्वर आएगा जो कि होगा नोड जेएस, और जिसमें एक्सप्रेस जेएस नाम का एक फ्रेमवर्क चलेगा। सो ये पूरा का पूरा मर्न स्टैक है और इस टाइप से ये स्टैक काम करता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि मर्न स्टैक को यूज क्यों किया जाए या आप क्यों मर्न स्टैक को एज अ करियर चूज करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मोंगोडीबी क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, यानी हम लोग एम ई आर एन इनको एक एक करके समझ लेंगे, इनके काम करने के तरीके को थोड़ा सा समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मर्न स्टैक एक सूटेबल टेक्नोलॉजी है किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो मोंगोडीबी जो है वो जेसन में डेटा स्टोर करता है। तो जितना भी डेटा स्टोर होता है, आप तक आपने MySQL पढ़ा होगा या आपने सपोज बेसिक एक वेब डेवलपमेंट कोर्स किया होगा, तो आपने उसमें PHP की हेल्प ली होगी, MySQL डेटाबेस की हेल्प ली होगी। तो उसी तरीके से मोंगोडीबी क्या है, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है जो कि जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, और उसकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के बेस पर बिल्ड है। ओके, ये हो गई मोंगोडीबी की बात। फिर आता है हमारा नोड जेएस। तो नोड जेएस क्या है, नोड जेएस भी जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। फिर आता है हमारा एक्सप्रेस जेएस।
एक्सप्रेस जेएस नोड्स जेएस का एक फ्रेमवर्क है, यानी वो भी जावास्क्रिप्ट का ही एट द एंड, बिकॉज नोड जेएस खुद जावास्क्रिप्ट का है, तो जो हमारा एक्सप्रेस जेएस है वो भी जावास्क्रिप्ट से ही काम करता है। और ये जो एक्सप्रेस जेएस है वो क्या करेगा, सर्वर के एंड पे रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और क्वेरीज को हैंडल करेगा, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे लास्ट में आएगा आपका रिएक्ट जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, जो क्लाइंट एंड पे रन होता है और डेटा को रेंडर करने के लिए और इवेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये सारी चीजें समझने के बाद क्या जो मेन पॉइंट है उनमें वो क्या समझ में आता है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, यानी चारों चारों टेक्नोलॉजी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट से बनी हुई है, यानी एक सिंगल लैंग्वेज जो है वो इन सभी चीजों को हैंडल कर रही है। तो हम लोग मर्न स्टैक क्यों चूज करें, उसका रीजन हमको यही मिल जाता है कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी जावास्क्रिप्ट जिससे सारी की सारी बाकी टेक्नोलॉजीज बनी हुई है, सारी की सारी बाकी टेक्नोलॉजीज ऑपरेट हो रही है, काम कर रही है, तो जब भी हम लोग एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे उसकी स्पीड का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। क्योंकि MongoDB सपोज जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, MongoDB जो हमारा वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, नोड या एक्सप्रेस जो MongoDB से कम्युनिकेट कर रहा है वो भी जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी स्विच नहीं हुई, लैंग्वेज स्विच नहीं हुई, तो इसलिए स्पीड बढ़ गई। फिर रिएक्ट जेएस जब एक्सप्रेस जेएस से या नोड जेएस से APIs रिक्वेस्ट करेगा तब भी दोनों के दोनों टेक्नोलॉजी किस पे काम कर रही है, जावास्क्रिप्ट पे काम कर रही है, तो फिर टेक्नोलॉजी का चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए कम्युनिकेशन जो बैरियर है, कम्युनिकेशन की जो स्पीड स्लो होने का रीजन था वो हट गया कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, एक ही टेक्नोलॉजी एक ही लैंग्वेज जो है वो सभी के लिए काम कर रही है। तो इसी रीजन की वजह से क्या है कि हमारा मर्न स्टैक का बना हुआ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा स्पीड होता है एज कम्पेयर टू अनदर एप्लीकेशन। या सपोज मर्न स्टैक के बदले आप मीन स्टैक की भी बात करें तो मीन स्टैक में भी सेम सिनेरियो होता है। सो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक स्टैक क्या होता है, यानी टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है, फिर मर्न स्टैक क्या है, मर्न स्टैक कैसे काम करता है और मर्न स्टैक को क्यों यूज किया जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।